नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। आज 24 जनवरी है, यानी कि वो दिन जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हम भी मानव कतार लगाएंगे। शिक्षा और रोजगार को लेकर उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था कि हमें चाहिए शिक्षा और रोजगार, इसलिए मानव कतार। आज सुबह मिलर ग्राउंड में मानव कतार का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कि मुकेश सहनी शामिल हुए थे। महागठबंधन के कोई और बड़े चेहरे नहीं दिखे मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के अलावा, लेकिन इसके बाद जदयू की तरफ से, छात्र जदयू की तरफ से पटना के करगिल चौक पर इस मानव श्रृंखला का, इस मानव कतार का, जो कि शिक्षा और रोजगार के लिए रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लगाया गया था, उसका विरोध हुआ है। जरा आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से छात्र जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, वो करगिल चौक पर सड़कों पर उतर के किस तरह से इस मानव कतार का विरोध कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का पुतला जलाया जा रहा है छात्र जदयू के द्वारा। इसके बाद कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। का पुतला है, इसलिए दहन कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा में हिस्सा मांग रहे हैं। बिहार में नीतीश जी ने शिक्षा के लिए क्या किया, आज पूरे बिहार में जाके देख लीजिए। जिस तरह स्कूल का भवन चमक रहा है, थाना का भवन चमक रहा है, हर स्कूल में मिड डे मील का खाना सभी बच्चों को उपलब्ध हो रहा है। हम इनसे मांग करते हैं कि आप शिक्षा मंत्री रहते हुए बिहार सहित पूरे हिंदुस्तान में कितने केंद्रीय विद्यालय बनवाया, कितने नवोदय विद्यालय खुलवाया आपने, कितने केंद्रीय विद्यालय में बच्चों लोग के बीच जा कर के कॉपी कलम पेंसिल का इंतजाम करवाया। आप लोगों को दीर्घभ्रमित कर रहे हैं। आप पहले अपना हिसाब दीजिए, शिक्षा का हिसाब दीजिए। आप जब शिक्षा मंत्री थे तो आपने क्या किया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर मानव कतार का विरोध किया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का पुतला दहन किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कभी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि जब वो अपने कार्यकाल में थे तब उन्होंने कितनी ज़्यादा स्कूलें बनवाई या कितने नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना बिहार में की है। वो लगातार पिछले कई दिनों से शिक्षा और रोजगार को लेकर सवाल उठाते आए हैं। बीते दिनों उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों को लेकर के अनशन भी किया था, हंगर स्ट्राइक पर चले गए थे उपेंद्र कुशवाहा, जिसके बाद वो पीएमसीएच में भर्ती भी रहे। हालत खराब होने के बाद तेजस्वी यादव ने जाकर उनका अनशन तुड़वाया था। उसके बाद आज यानी कि 24 जनवरी को उपेंद्र कुशवाहा द्वारा मानव कतार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य मुद्दा था रोजगार और शिक्षा, शिक्षा की बेहतरी और जितनी बेरोजगारी बिहार में बढ़ रही है उसके खिलाफ मानव कतार लगाना, ताकि सरकार का ध्यान बेरोजगारों की तरफ और गिरती शिक्षा व्यवस्था की तरफ आकृष्ट किया जाए। लेकिन सरकार जो कि सत्ता में बैठी है, जदयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, उनके छात्र विंग के द्वारा, छात्र जदयू के द्वारा आज करगिल चौक में इस मानव कतार का विरोध किया जाता है। ये इल्ज़ाम उपेंद्र कुशवाहा पर लगाया जाता है कि अगर आप मानव कतार शिक्षा और रोजगार को लेकर कर रहे हैं आज, तब कहाँ थे जब आप खुद शिक्षा मंत्री थे, सत्ता में थे, आपके पास पावर थी, तब आपने क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय बनवाए, क्यों नहीं आपने नवोदय विद्यालयों की स्थापना की, क्यों नहीं आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश। छात्र जदयू का ये दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश हमेशा की है और अभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था अभी बेहतर है। उपेंद्र कुशवाहा का इस बात को विरोध करना ये कहीं से भी जायज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं किया। जो कोशिश आज वो कर रहे हैं सरकार के विरोध में, अब देखना ये होगा कि इस पुतला दहन के बाद, इस मानव श्रृंखला, इस मानव कतार के विरोध के बाद विपक्ष की ओर से, उपेंद्र कुशवाहा और रालोसपा की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्या कुछ बयान आते हैं, वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से भी रूबरू कराएंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।